क्लास टेंथ के गणित का प्रश्नावली 4.4, ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को जानना है, मतलब डी निकाल लेना है। डी देखने के बाद बता करिए कि क्या अस्तित्व में है कि नहीं है, और उसके बाद में अगर अस्तित्व में है तब उन्हें ज्ञात कीजिएगा, नहीं अस्तित्व में होगा तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक, मूल अस्तित्व में है तभी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसका निकाल के। पहला जो क्वेश्चन है, पहले प्रश्नावली देते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालिए, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, 2x² - 3x + 5, इसका डी निकालेंगे हम। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b² यानी कि -3 का² - 4, a के जगह पे 2 है और c की जगह पे 5 है, तो इसमें हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 5 × 10, 5 × 20, 20 × 40 घटाएंगे तो ये आ गया कितना, -31 आ गया। चूंकि d जो है वो माइनस में आ गया, यानी कि 0 से छोटा, d इज स्मॉलर देन 0, तो ऐसा जब होता है तो मूल अवास्तविक होता है इसका, मतलब मूल इसका अस्तित्व में नहीं होता है। d अगर 0 से छोटा हो गया तो अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कंडीशन होता है कि d बड़ा होगा 0 से तो मूल अस्तित्व में होगा, या d बराबर होगा 0 के तो भी मूल अस्तित्व में होगा, मगर d अगर छोटा हो गया 0 से तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। इसमें होगा मूल अस्तित्व में, इसमें भी मूल अस्तित्व में होगा, मगर इसमें मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो यहाँ पे d जो निकाले हैं वो 0 से छोटा आया है तो मूल अस्तित्व में नहीं है, इसे लिखेंगे। इसीलिए इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। लिखना है क्या कि नहीं लिखना है, अस्तित्व में नहीं है। अब अगर अस्तित्व में नहीं है तो क्या ज्ञात करेंगे इसको हम लोग, जो है ही नहीं उसको ज्ञात क्या करेंगे, जो रहेगा उसको ना ढूंढेंगे, जो है ही नहीं तो ढूंढेंगे कैसे उसको, तो नहीं निकालना है इसका मूल। दूसरा क्वेश्चन इसका है, 3x² - 4√3x + 4 = 0, इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं ये भी चेक करना है हमको, यही पहले चेक करना था। डी लिखेंगे, डी बराबर, चूंकि डी बराबर b² - 4ac, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल जो है उसकी प्रकृति क्या होता है वो डी ही बताता है, जिसे हम लोग विवेचक कहते हैं या विविधकर कहते हैं, है ना। तो b² - तो ये देखिए बी, ये ना बी है तो इसको स्क्वायर कर दिए, माइनस 4, ए कौन है, ये 3 है तो 3, सी कौन है तो 4 है तो 4 लिख दिए, तो सॉल्व करेंगे। -4 का स्क्वायर यानी माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा ना 3 आएगा, ठीक है। अब माइनस 4 चौका 16 16 3 48, इसमें जब गुना करें 16 3 48 आता है, -48 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसका अंदर 0 क्या आया, डी 0 आया है, तो 0 आया है तो मूल बराबर है कि नहीं है वो हमको नहीं बताना है, मूल अस्तित्व में है कि नहीं सो बताइए हमको। कुछ बच्चे एकदम दिमाग में याद किए रहते हैं कि मूल अगर डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, आपसे पूछ रहा है कि मूल समान होगा क्या समान होगा, नहीं तो क्यों बता रहे हैं समान होगा क्या समान होगा, ये भी सवाल उठता है, उसे आपसे तो पूछा ही नहीं है कि मूल, कभी कभी हम लोग दिमाग में हम लोग याद किए होते हैं कि डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, बात सही है आप याद किए हैं सही है, मगर उसका जवाब ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है अस्तित्व में है तो लिखिए हाँ इसका मूल अस्तित्व में है, इतना ही लिखना है उसको, ठीक है ना। आप ये लिखिएगा कि मूल समान है तो समझ जाएगा बच्चा रटा हुआ बच्चा है, तो भी आपका वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, ये भी एक कारण होता है, इसे ध्यान रखिए, जो सवाल पूछा जाए वही जवाब दीजिए। किचन में जाते हैं बहुत सारा मसाला होता है, इसका मतलब नहीं कि सब सब्जी में सब मसाला उठा दीजिए डाल दीजिए, नहीं, जो जरूरत होगा जिस सब्जी में वही सब्जी में मसाला जाएगा ना, उसी तरह से होता है सेम टू सेम। तो क्या लिखेंगे,
अतः इसका मूल क्या है, इसका मूल अस्तित्व में है। तो मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात करिए, उसको निकाल कर दिखाइए। तो ज्ञात करने के लिए, तो मूल निकालने के लिए तो हमको कई तरीका आता है, तीन तरीका आता है। किससे निकाले भाई, क्या इसमें कुछ निर्देश दिया है कि इस विधि से निकालिए? कह रहा कि यदि मूल अस्तित्व में हो तो है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मगर किस विधि से ज्ञात कीजिए ये नहीं कह रहा है। मतलब हम फ्री हैं किसी भी विधि से बनाने के लिए, फ्री है बहुत अच्छी बात है, आप फ्री हैं तो किसी भी विधि से इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो बना दीजिए। हमको ज़्यादातर अच्छा था, हमको तो यही लगता है कि भाई सबसे अच्छा लगता है क्या मध्य पद गुणनखंड, मगर यहाँ पे हमको अच्छा कौन लग रहा है कि द्विघाती सूत्र वाला, क्यों? क्योंकि इसका डी निकाल लिए हुए हैं तो द्विघाती सूत्र का अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं ना जी, उसी में बनाएंगे इसको। क्योंकि हम जानते हैं द्विघाती सूत्र में क्या होता है, चूंकि x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू ए, यह भी होता है क्योंकि रूट में लिखते हैं, रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखते हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान ये होता है डी होता है, तो हम डी लिख के भी इसका फॉर्मूला लिखते हैं, लिखे हुए थे हम लोग, ये भी फॉर्मूला होता है। जब डी ज्ञात होता है तो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो माइनस बी, तो माइनस बी कितना होगा भैया, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस आई है माइनस चार रूट तीन जो है बी के जगह पे, तो माइनस चार रूट इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में माइनस चार रूट तीन और प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना रखते हैं भैया, तो जीरो, तो जीरो रख देते हैं। अब बटा टू ए, टू आगुने ए कितना रख दे, तो ए रख देते हैं तीन। अब कुछ बच्चों कहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे क्या यहाँ पे, सर हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख के बनाए हैं, सही नहीं हुआ? सही होगा मगर आपको तेज नहीं माना जाएगा। तेज बच्चा, स्मार्ट बच्चा वह होता है जो समय के हालात को देख कर काम करता है। यहाँ पे आप हालात देख नहीं रहे हैं, यहाँ आप डी निकालवे किए हैं तो फिर दोबारा क्या निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आप रूट में इतना चीज रखिएगा सॉल्व किया तो फिर आएगा क्या, जीरो ही आएगा। तो फिर इतना कैलकुलेशन यहाँ कर लिए तो फिर यहाँ क्यों करिए, एक ही सवाल में दो दो बार क्या करने जाएगा कैलकुलेशन। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क तो आपको करना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस फोर रूट थ्री प्लस माइनस, जीरो को रूट से हटाएंगे तो जीरो ही रहेगा बेचारा, तो जीरो ही रहेगा। अब बटा क्या हो गया, तो ये हो गया आपका छः। एक्चुअली हो गया क्या, चला प्लस लिखते नहीं शुरू में, चार रूट तीन बटा छः, ये इसका आंसर आया। चूंकि एक क्या एक ही आंसर आया है, क्या आया है, चार रूट तीन बटा छः, एक ही, इसको काट भी सकते हैं आप दो से, दो दूना दो तिहाई काट गया तो क्या, अगर टू रूट थ्री बटा थ्री। अब कहिएगा सर इतना आंसर आ गया बट दो गुना के आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, दो, तो क्या इसका तो एक ही को मूल निकला। तो हम जानते हैं कि d बराबर जब जीरो आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, यानी दोनों मूल क्या होगा, समान होगा, अतः दोनों मूल इतना ही होगा, अतः अभीष्ट मूल क्या होगा, अभीष्ट मूल जो होगा वो क्या क्या होगा, इसी को दो बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी को दो बार क्या क्या होगा बोलिए, टू रूट थ्री बाई थ्री एवं क्या, टू रूट थ्री बाई थ्री आंसर, दो बार इसी को लिखेंगे हम लोग। क्यों लिखे दो बार इसी को, निकला तो एक ही गो है भैया, सर इसे प्लस माइनस वाला नहीं लिया, प्लस माइनस वाला कैसे लिया, तो जीरो हो गया, जीरो तो हटिए गया, जीरो प्लस की चाहे माइनस की बात तो बराबर होता है कि नहीं, चार में जीरो जोड़िए चाहे घटाइए चार ही ना रहेगा वो, तो इसको कोई वैल्यू ही नहीं, वो हटिए गया बेचारा वहाँ से। तो इतना बचा है, तो इतना बचा है तो एक ही को निकला है आंसर। तो द्विघात समीकरण के नियम होता है, द्विघात समीकरण का दो गो मूल, त्रिघात समीकरण का तीन गो मूल, चार घाती रहेगा तो चार गो मूल, एक घाती है तो एक गो मूल, नियम होता है जय वो घात वाला रहता है समीकरण तय गो मूल निकलता है उसका। तो द्विघाती समीकरण का क्या मूल होगा, दो। तो डी बराबर जीरो में मूल वास्तविक में समान होते तो एक गो निकला तो दूसरा क्या क्या होगा, उतने के ना उतने ना होगा जी, वही ना होगा सेम टू सेम, समझ गया कि नहीं समझ गए, तो इस प्रकार से उसको बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक का तीन क्या करा, देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, अच्छा प्लस थ्री है सर, प्लस थ्री, तो कैसे निकालेंगे इसका मूल बताइए। पहले मूल निकालने से पहले डी निकालिए भाई, डी देखना है ना यहाँ पे। आप कुछ बच्चे को देखे हैं क्या कि हर सवाल में डी निकाल दे जाते हैं, डी निकाल के देखे भैया, डी निकालने के लिए जब नहीं कर रहा है तो क्या निकालते हुए में,
अभी वो दिए थे सवाल के 3 बजे से हल के, उसमें देखे बच्चा डी निकाल निकाल के देखे बनाया हुआ था ना। हाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला नहीं था, उसमें डी निकाले हुआ था कितने बच्चा, बहुत बच्चों को देखे थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला में डी पहले निकालेंगे तब बनेंगे। अरे भाई कौन कह दिया आपको डी निकाल कर देखने के लिए? तो सर उसमें आप बताए थे, अरे भैया तो उस सवाल में कहा था कि मूल अस्तित्व में है तब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, तब ना हम डी निकाल के चेक किए थे। आप सीधे सवाल कहेगा कि इसको हल कीजिए तो क्या डी निकालिएगा आप? नहीं कहाँ डी निकालेंगे, चेक करने के लिए कह रहा नहीं, हाँ हमको चेक करने का मन कर रहा है तो अलग रफ में कर लीजिएगा, दिखाइएगा उसको थोड़ी ना, क्या समझे? ये सवाल में कह रहा है कि द्विमित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, माने डी निकाल कर देखिए, तब हम निकाल रहे हैं, अपने मन से नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग अपने मन से भी निकाल लेते हैं, आधे वो दिखाते भी, निकालते तो निकालते हैं दिखाते भी हैं, सर जी देखिए गलत बात है, ये भी बहुत गलत बात है। मैंने आपको आएगा तो मैंने कहीं जत मैंने जब कहेगा तो बनाते रहिएगा, कोई बात हुआ मैंने चाकू दे देंगे आपको, अकेले रखो जाओ किचन में रखना, तो जेकर गला गला काटते रहिएगा ना, बात हो ही ना हुआ चाकू का मतलब थोड़ी ना गला काटते फिरिएगा। आप जानकारी है जब कहे तब उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नहीं इस्तेमाल कीजिए। -6 तो बी की जगह पर क्या है -6 है ना जी, तो -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर हो गया आपका 2 और सी की जगह पर हो गया 3, इसको सॉल्व कीजिए। 6 + 1 = 36 हो गया, माइनस हो गया 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 हो गया, घटाइएगा तो कितना आएगा 8 आएगा 12 आएगा, सॉरी 12 × 3 = 14, अब 12 आएगा डी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है? क्योंकि डी जो है वो बड़ा है, डी जो 12 आया है मतलब 0 से बड़ा है, डी इज ग्रेटर देन 0, डी बड़ा है 0 से, तो अतः इसका मूल अस्तित्व में है, अतः इसीलिए इसका मूल अस्तित्व में है, इसीलिए इसका मूल अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में है तो ज्ञात करेंगे कि नहीं करेंगे बोलिए? ज्ञात करने के लिए हमको शौक नहीं है, उसमें कह रहा है कि यदि अस्तित्व में है तो ज्ञात कीजिए। तो फिर आप बात आता है कि सर कौन विधि से बनाए, हमको तो सबसे अच्छा मध्य पर गुणनखंड लगता है, उस विधि से बनाते हैं, मगर यहाँ पर डी निकाल लिए हैं, टाइम है तो कर लिए हैं, तो कह रहे जाए फालतू में दिमाग लगाने, हम तो भाई द्विघाती सूत्र से ही बनाएंगे इसको, हम डायरेक्ट लिखेंगे वही फॉर्मूला, चूंकि एक्स बराबर -b + -√_d/2a, सबसे हल्का यही है अभी फिलहाल में, तो -b तो -(-)6 और +√_d का मान कितना है 12 / 2 और एक जगह पे कितना है 2, बन गया सवाल। -(-)6 + -(-)12 को निकालेंगे तो कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 होगा, अब (2×4) हो गया, इसमें से +6 + +6 लिखते नहीं है, शुरू में तो 6 होबे करता, प्लस माइनस ई रूट निकलेगा, रूट से क्या निकलेगा, रूट से 2 को अपने को बाहर निकलता है ना जी, एगो निकल गया एगो अटक गया इसमें, अब बटा कितना आ गया 4। अब इसमें से कुछ कॉमन वन होने वाला है नहीं होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा 3 + -√_3, अब बटा में क्या है इसके 4, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 3 + -√_3/2, तो एक 2 का मूल ना होगा तो एगो प्लस वाला होगा एगो माइनस वाला होगा, अतः अभीष्ट मूल क्या होगा, अतः लास्ट में यही लिख देते हैं, अतः अभीष्ट जो ज्ञात नहीं है, अभीष्ट मूल तो हम ही कहता रहता है तेरे क्लास में देखते हैं, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ हर दिन महीना हैदराबाद हो गया पूरा, क्लास में उठाने का मतलब होता है मन बुद्धि का विद्यार्थी, संकेत होता है जब बच्चा क्लास में हाफी आता है खूब नींद आएगा समझिए वो मन बुद्धि का है। अच्छा बटा में 2 है वो भैया, ठीक को दिक्कत 2 कैसे हो गया, एगो प्लस वाला लिया है एगो माइनस वाला लिया, 2 बन गया ठीक है ना। और हम जानबे करते हैं डी ऐसे भी आया है 0 से बड़ा, तो जब डी बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला है कि दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। अब देखिए एगो द्विघात समीकरण आपको दे दिया है,
और कह रहा है कि इसका मूल का मूल समान हो, बराबर हो, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। अब कह रहा है कि इसका k का मान ज्ञात कीजिए, इसके मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, चूंकि उठा लिखेंगे हल, मूल बराबर होने के लिए, होने के लिए मूल बराबर कब होता है, ये सवाल है, कब होता है अमित कुमार? हाँ, डी बराबर जीरो होना चाहिए, राइट, बैठ जाओ। और डी का मान जो होता है वो कितना होता है, डी का मान, डी डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी माइनस बी, हाँ क्या होता है डी बराबर, ये माइनस बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस, ये बोले यार ये सबको डी एक नहीं यार, डी कहते हम कहते ना कहते से यही साहब है, टेंथ में सबसे हल्का फॉर्मूला डी बराबर होता है, ये लगे डी बराबर करा माइनस बी, माइनस बी कहाँ से पढ़ा तू बताओ, डी बराबर ना अर्मूला ना फार्मूला सुनाइए अब, वो तो अर्मूला था, डी बराबर एगो अर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो कल पूछे फार्मूला डी बराबर आप कभी जानते हैं बताइए, डी बराबर हम पूछेंगे आपको, डी बराबर कथी कथी आपको याद है बताइए, फार्मूला तर्मूला अर्मूला नर्मूला कथी, अब ये याद है ठीक है, इसके अलावा कथी कथी याद है और बताइए, तो फिर काला पूछे कथी फार्मूला ये पूछेंगे मतलब क्या हो, मतलब आप आलू का आलू दम चला रहे हैं, आलू गोभी की सब्जी, आप कहिएगा पनीर लीजिएगा कथी दे पनीर, तो आलू गोभी चला रहे हैं पनीर कहाँ से आ गोभी में, चकमा दे रहे हैं आप, बैठिए महान महान लड़का सब कभी कभी आ जाता है, पहले आपको कथी कहे हम, डी बराबर एक होबे करता है फार्मूला, तो पूछे और डी बराबर कुछ होता है तो बताइए, नहीं होता एक एक होता है, बी स्क्वायर माइनस पूरे, इन लोगों को तो पते नहीं है, अभी अभी लिखे ना ये सब हवा में नहीं, सब उंघा रहा था जानू, डी बराबर बार बी स्क्वायर माइनस पूरे से लिखे वो उंघा रहा था, यहाँ पर लिखे डी बराबर लिखे ना कथी कथी में लिखे, मैंने पगला लिखा समय पकड़ा जाता है कोनो कोनो बुड़बक लिखा सब, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस पूरे तभी उंघा रहा था, उसका उससे पहले लिखा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस तबका कहते हुए उंघा रहा था, आप पूछ रहे हैं तो डी बराबर कहता है बी स्क्वायर माइनस भी बोल रहा है, कोई सर अचानक पूछ देता, अचानक नहीं पूछेगा ताकि बोल के बउआ अब हम पूछने जा रहे हैं अब उठाएंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जो है ना लिखाना है आप लोगों को, है ना, आप लिखाइए बुआ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान लिखाइए इसमें, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, के एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू है बोले जल्दी गुने थ्री, क्या जी सही है, क्या सही है, मजा इसको बी का मान नहीं आ रहा है पता कर रहा है, बी का मान बोल रही है के एक्स, कल हो के ये बच्चा को मैट्रिक में अगर 10 नंबर आए तो हमको दुख होगा, क्या दुख होगा बताइए, किस आधार पर हमको दुख होगा, हमको दुख नहीं होगा, तुमको दुख होगा, हमको क्या दुख होगा, बच्चा को इतना पता इतना से पढ़ा रहे हैं बी निकाल, बी इसको कहते हैं जो एक्स में गुना होता है उसको बी कहते हैं, एक्स में क्या गुना है, तो खाली के ना बी है कि एक्सो गुना है करते हुए, बोलो अब कहोगे तैकाला छूट गया सही लिखा गया है, तैका नहीं होता हुआ गलती हो गया, वो खाली के है जो एक्स में गुना होता है उसको बी कहते हैं, समझेगा, जो एक्स स्क्वायर में गुना होता है उसको ए कहते हैं, जो एक्स में गुना होता है उसको बी कहते हैं, जो अतर पद होता है उसको सी कहते हैं, वो एक्स नहीं बोल सकते, एक्स बोलिएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो तो दिमाग में सेट करके रखिए सब, ऐसा गलती ना कीजिए, तो के स्क्वायर हो गया माइनस तीन गुना छः, छः तेरी छः चौका चौबीस बराबर जीरो, इससे के बराबर निकल जाएगा चौबीस, तो या रूट अंडर हाँ स्क्वायर का रूट लगेगा इधर, तो निकलेगा तो कितना होगा, चौबीस को तोड़िएगा ना, तो चौबीस को तोड़िएगा, तोड़ के दिखा देते हैं ऐसे तो हमको याद है, तो अब तोड़िए पहले, दो गुने दो गुने तीन होगा, होगा कौन कौन निकलेगा बाहर, एक और दो निकलेगा बाहर, अट गया कौन चीज़, दो तीन छः छः अट जाएगा, तो यही आंसर है, के का मान होगा हाँ प्लस माइनस होगा, क्या होगा जब रूट से निकलेगा तो क्या होगा प्लस माइनस, इसमें होगा प्लस माइनस लिखना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस क्या
टू रूट सिक्स ये इसका आंसर है। आंसर खाली प्लस दिया है कि माइनस दिया है कि दोनों दिया? प्लस माइनस दोनों दिया है, माइनस में दिया है, दोनों दिया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही पूछेंगे तो आप लोग तैयार रहिएगा, किसी से भी पूछ सकते हैं। तोरो बड़ा इंद्रासन आ गए लोग, देखते हैं दो तीन मिनट का। तो पीछे का नहीं बताया, पीछे कोना वोना में पकड़ लेना, कर लेंगे कोई कोना पकड़ लेना, इधर से दिखाई नहीं दे, उधर बैठना होना गाड़ी ताकि दिखाई, तुर बैठ जाता आ गया। ना करते रहता है और लगता है कि पूरा एकदम भांगे खा के आए, वैसे नहीं करो बुआ, लगता है कि उंघा रहा है, उंघा रहे हैं तो पानी मार के आँख पर से चलाना चाहिए। और कहे उंघाते हैं, क्लास में नींद आने का मतलब समझते हैं कितना का गुना होता है? जब क्लास में नींद आ रहा है इसका मतलब सीधा होता है कि एकदम मंद बुद्धि का, उसको पढ़ाई से वास्ता नहीं, और समझिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जो कहावत है, जब बुद्धि बटा रहा था तो पीछे सो गया था, वही हाल हो गया तुम्हारा। अगर बुद्धि बटा रहा है तो तू सो रहा है। आपको जो खुला हुआ आँख, खुला हुआ होते हुए आदमी सो रहा होता है, पता है? मैंने आँख खुले रहने से जगले नहीं रहता, आदमी को दिमाग भी चलना चाहिए ना, वो जिसे जैसे हम चला रहे हैं, मूल वास्तविक होना चाहिए। क्या इसमें ABC नहीं लिख दोगे? ABC लिखा जाएगा इसमें? नहीं लिखा जाएगा, अभी नहीं लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। कैसे करोगे सॉल्व? गुना करो इसमें, के में एक्स क्यों रखना, तो के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? के एक्स टू है ना, गुना करेंगे ना के एक्स टू, या टू के एक्स टू हो जाए, इसे भी टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब ABC सबको आ गया इसमें, चलिए तो बता हुआ मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? बोले मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त होता है? हाँ? कोई बता नहीं ना रहा तुमको, कोई आदमी बताइएगा नहीं, सो खड़ा कराएंगे, बोलने दीजिएगा उसको। मूल बराबर होने के लिए क्या होता है? डी बराबर जीरो। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, कल बोलना, बराबर जीरो। ठीक है, बैठ जाओ, तो बता हुआ खड़ा हो, बी स्क्वायर का मान कितना होगा? बी कितना है इसमें? इसमें कती है बी? टू के स्क्वायर जानते हो कितना होता है? ये होता है टू का स्क्वायर, यही बी है। तो बता हुआ बी कितना है? टू स्क्वायर एक्स का, टू के एक्स क्या आता है इंग्लिश में? टू के एक्स, ये बी है। तो बता हुआ, हाँ तो बहुत ज्यादा हिल रहा है, टू में कौन है बी? बी कितना है? बी के एक्स स्क्वायर है। सुनिए, ऐसा बच्चा कहा कि हम मैट्रिक पास करेंगे, पास कर जाएगा तो गलती से पास कर गया है, पास करने योग्य नहीं है। तुम बताओ हुआ क्या हुआ? अभी माइनस टू के एक्स। तुम बताओ कितना हुआ? खड़े रहिए, सही नहीं है, सही होता था बैठा देते, माइनस टू के। इसका सही जवाब है भाई, एक बच्चा का सही जवाब आया है कि एक्स जो अभी बताया है, बी कौन होता है जो एक्स में गुना होता है? एक्स ये ना है, देखिए कितना आसान वाला सवाल पूछ रहे हैं बच्चा सबसे, आप बता सकते हैं जवाब दे रखिए। एक्स किसे कहते हैं? बी किसे कहते हैं जो, तो फिर समझ लो, ए किसे कहते हैं जो एक्स स्क्वायर में गुना होता है? एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है उसे क्या कहते हैं? ए। जो एक्स में गुना होता है उसे क्या कहते हैं? बी। अब बताइए हम इसे पूछ रहे हैं बी कितना होगा, तो देखिए जवाब क्या दिया है इसको, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा सही है। बी वह होता है जो एक्स में गुना होता है। एक्स में क्या गुना है? आप अपने दोनों आंखों से देखिए कि एक्स में क्या गुना है, क्या गुना है? इतना माइनस टू का, माइनस भी आएगा, सॉरी इसमें माइनस भी ले लेंगे हम। देखिए इतना आसान सवाल बताना कि एक्स में क्या गुना है वह बी होता है, ये बताने में भी कन्फ्यूजन हो रहा है। कल होकर कहेगा कि हम मैट्रिक में सर क्रॉस लग गया, हमको मैथ में कम नंबर आ गया है। भैया आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं जिस दिन से अभी तक ABC आपको पहचानने नहीं आ रहा है, लगभग एक महीना होने जा रहा है, लगभग एक महीना होने नहीं जा रहा, हो गया,
ये द्विघात समीकरण को शुरू हुआ एक महीना हो गया और एक महीना में आपको एबीसी पहचानने नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि हमको मैट्रिक पढ़ना है, हम तेज बनेंगे। कैसे बनिएगा बताइए जरा, जबकि अभी जस्ट अभी बताए हैं कि बउआ बी किसे कहते हैं, तो जो एक्स में गुना होता है उसे बी कहते। देखिए जो एक्स में गुना होता है, यहाँ के था तो के हुआ है बी। वही सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बउआ बताइए कि यहाँ पे बी क्या होगा, तो सब अल्टर जवाब दे रहा है। देखिए क्या जवाब मिल रहा है यहाँ से, इसमें इधर आइए, बाहर इधर आइए, इधर आइए, पढ़ाई करेंगे आप लोग, आगे सुधारने वाला थोड़ी ना है, इसे आपको ए बी सी लिखने नहीं आएगा। इधर आइए, अभी आइए, इसमें सिर्फ पिटाई लगेगा आप लोग, आइए। आप लोग आते ऐसा है कि पिटबे करेंगे, उनको लगता है कि रिकॉर्डिंग वाला क्लास चलेगा तो हम सुनेंगे नहीं, यही हमको गलती हो गया आपको, तो पढ़िएगा नहीं, उल्टा जवाब दीजिएगा आप, बैठ के खाली उल्टा पुल्टा करिएगा काम वहाँ पर, कांड करिएगा, जी हाँ सब तोड़ देंगे तुम्हारा। अभी हम बी ए बी सी नहीं आ रहा है कहने, उधर मत देखो, उधर मत बचाए, कथी बचाओ, इन्हें देखो, उन्हें देख लिया तो भाई मारबो करेंगे तो हम। अभी बी नहीं आ रहा, बताइए लिखने, इसको बी यहाँ पे माइनस टू के है बी स्क्वायर और माइनस फोर, चलिए ए कितना है तुम बताओ, ए कितना है इसमें ए, ये तो बी का आंसर था, देखिए लिए बी का आंसर क्या क्या दिया लेगा सब, जरा ए का आंसर देख लेते, ए कितना है इसमें, ए कितना है बोलिए, देख लीजिए तो बताओ सुधा कुमारी कितना है ए, कितना है के है, इसको पता भी नहीं चला। अभी बोल रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर में गुना होता है उसको कहते हैं ए, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, के गुना है, तो ए हो गया के, मैं इसको अभी तक पता नहीं चल रहा है के होता है। देखिए ये सब कहेगा कि हम विद्यार्थी हैं, बैठो ये सब विद्यार्थी है, कौन एंगल से विद्यार्थी है पता नहीं चलता हमको, एक छोटा छोटा बच्चा सबको बुला के ले आएंगे, बुआ कहेंगे जो ना एक्स स्क्वायर में गुना होगा उसका ए कहते हैं, जो ना एक्स में गुना होगा उसको वाई बी कहते हैं, जो अचर पद होता है उसको सी कहते हैं। फिर से सिखा दे रहे हैं, फिर से सीख लो एक बार आओ, इसको ए कहते हैं, जो एक्स में गुना होता है उसको बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सी कहते हैं, ठीक है। इसका कैसे जी मांग लाते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है वो सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यही सामान्य रूप होता है सामान्य रूप द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, इसी में कहते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर में जो गुना उसको क्या कहते हैं ए, जो एक्स में गुना होता है क्या कहते हैं बी, और जिसको क्या कहते हैं सी, हैं इतना आसान चीज़ जो है कितने साल कितने मैंने दिनों से बता रहे हैं, तब जाकर तुमको अभी ए बी सी लिखने नहीं आ रहा है, और तुम बताओ ए बी सी लिखने नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ तो क्या होता है, तुमको डी निकालने भी नहीं आ रहा है, और डी निकालने नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या, तुमको द्विघात समीकरण का कुछ नहीं आ रहा है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि सही है ए बी सी निकालना है, बात यहाँ पे आ गया कि तुमको कुछ आ ही नहीं रहा। अब सी सी कितना है इसका, अचर पद कितना है छः, तो छः हो गया, बाहर क्या आ जाएगा बोलिए जीरो। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस, देखो ई भी है ना, ई भी पूछेंगे अगर, तो क्या को बचा इसमें फंस जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माने कि माइनस टू के का स्क्वायर करने का मतलब होता है माइनस टू में माइनस टू के से गुना करना, गुना करना होता है ना जी, ये दोनों को गुना करने पर क्या होगा, इसमें क्या को बचा के जवाब जो है ना अल्टर टाइप का मिलेगा, कुछ जवाब ही नहीं आता है, जो गुना करने भी इतना हल्का चीज़ नहीं आएगा, जैसे हम लोग पूछ के दिखाते हैं आपको। आप देखो क्या होता है शिल्पा कुमारी, इसका आंसर क्या होगा गुना करेंगे तो, बस ये है सुदर्शन, देख लीजिए चेहरा देख लीजिए, और भी दिखा दे, तुम बताओ तुम क्या होता है बुआ, कितना होता है बोलिए, कभी बोला ये गूगल गुना कर देते हैं, हाँ दो बार गुना करते हैं, दो बार गुना करके बताए कितना लिखे हैं कि गुना करके चार हो जाएगा, और की होगा चार के हो जाएगा, फोर के में देता है वीडियो, तो वीडियो जो शूट होता है ना फोर के में शूट होता है, इसलिए फोर के याद है इसको, फोर के वीडियो 1080p से ज़्यादा, तू बताओ कितना होगा गुना करने पर, ये तो गलती हो गया अला बता, तू बताओ ये गुना करने पर कितना आएगा, माइनस चार, माइनस चार के, माइनस फोर के में देखता है, अभी नहीं देखता है फोर के वीडियो, देखे नहीं करता है तो कुछ आता ही नहीं है, तो बताओ कितना होगा, टू के होगा, मैं टू में टू से गुना करने पर दूनी एक के हो, दू होता है टू के होता है, टू के में चल रही बेचारे तुझे कैसे पीछे चल रही है ना, ये है आपका क्लास का औकात, देख लीजिए अपने आंखों से।
आ कल होके आप कहिएगा सर जी फेल हो जाता है तो बचा आपको दुख काहे नहीं होता, हमको काला दुख होगा इस सब के बारे में भाई सोच के, जिसको अपने बारे में केयर ही नहीं है उसको हम समझा। अभी बोलने जा रहे थे, बोल देते बुआ रे माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आइए आप लोग भी आइए, अब तो आप लोग वहीं रहिए वहीं पर प्रसाद मिलता है, आप लोग इधर आइए बुआ, इन्हें आइए, क्यों ना करने नहीं आ रहा आपको, क्यों ना करने ऐसे पढ़िएगा, नहीं आइए ऐसे ही पढ़िएगा ना बुआ तो अवार्ड मिल जाएगा आपको, एगो पता है कि क्रॉस लगेगा लड्डू मिलेगा वही ऐसे पढ़िएगा। तो सुनिए का जवाब क्या होता है, पीछे तो है समझ में लीजिए क्या होता है, क्या अगली बार फिर पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा आप लोग। माइनस गुने माइनस प्लस होता है, दो गुने दो चार होता है, और के गुने के स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर हो गया प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं फोर के स्क्वायर, इसका आंसर ये होता है, ठीक है समझ में आ गया। चलिए इसका इसका स्क्वायर करने पर कितना आ गया फोर के स्क्वायर माइनस छः चौका चौबीस के बराबर जीरो, आया समझ में आया। इसको उधर ले जाते हैं तो फोर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा चौबीस के, ठीक है, और इसमें एक दो के है वो के रख लेंगे और बाकी सबको भेज देंगे तो क्या होगा चौबीस के अब बटा ये चार ए वो के चला नीचे तो के से के कैंसिल हो गया और छः चौका कैंसिल छ, तो के बराबर कितना आ गया छ, यही हो गया आंसर। अब कितना बच्चा सबको यहीं पे देखिए कितना गलती हो रहा है, कितना बच्चा कोई में बी लिखने नहीं आ रहा था, कितना बच्चा कोई में ए लिखने नहीं आ रहा था, कितना नहीं ए हो के ए नहीं लिखने आ रहा था भले, और कितना बच्चा को देखिए अभी गुना करने के लिए कहे हैं अभी कैगो भर जाता है और फर्क आ जाता, ऐसा नहीं कि अभी इतने बच्चा है और भी बच्चा इसमें ऐसा जी को गुना नहीं आता है तो गुना करने के लिए कहिएगा अभी पूछ देंगे तो नहीं आएगा फिर गुना, कैगो बच्चा ऐसा है कान का जब बीजगंज का गुना सिखा रहे थे तो मुँह टाए टाए कर रहे थे गरीब लगा ये गुना कथी करने से आता है, बीजगंज का गुना से कोई फायदा होता है, लिख रहे थे बहुआ लिखो ये गुना का नियम सिखाए थे माइनस चार एक से है उसमें दो वाई से गुना करेंगे तो कितना, बच्चा फटाफट समझ में आ रहा है वही चीज़ बाब यहाँ पे आ जा रहा है तो बस मुँह ताकिएगा। इसको देखिए हम एगो हम गुना में टेस्ट लेते देखिए कैसे हो जाएगा, अभी हम टेस्ट लेकर दिखाते हैं आपको देखिए क्या हालत है, देखिए टेस्ट देखिए कैसे हालत हो जाता है आपका, ठीक है देखिए वह फिर से बताते हैं ये गुना है ना, इसके बीच में ये सब क्या है वो आपका गुना है, एक गुना का चिन्ह है, एक गुना का चिन्ह है, एक गुना का चिन्ह है, एक गुना का चिन्ह, ठीक है ना, इसमें इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, समय यहाँ गुना करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए जवाब देखिए जरा सुनिएगा कितना बच्चा इसमें सीधे घटा खड़ा पिटा जाएगा, अभी फिर पिटने का मूड नहीं है फालतू वाला चीज में, ये गुना जो है जाकर देख लीजिएगा वीडियो थे ना देखो के लिखे तो याद कर बीज का जो कटा गुना बिना नहीं आपका काम चलने वाला है, जोड़ घटा गुना भाग के बिना कभी काम चल ही नहीं सकता है, अंगणित में जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता बनेगा फिर सवाल नहीं बनेगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर हमको मारने पीटने वाला में, अभी मारेंगे तो पता चलेगा ये आधा बचा इसे पिटा जाएगा, ये गुना में फंस जाएगा, ये छठा का सवाल है पता है छठा का सवाल है, छठा का किताब जाके देख लीजिएगा इसमें गुना होगा बीजगणित का गुना सातवां में छठा में सब गुना रहता है, हम सब पढ़ा के तब लाए हैं इसमें ना लाए हैं, पहले जोड़ पढ़ाए घटाव पढ़ाए गुना पढ़ाए समीकरण पढ़ाए गुणनखंड पढ़ाए तब जाके बैसूर किए हैं, कैसे पकड़ाता हूँ अल्टर लेकर से पकड़ा जाता है कभी कभी हमको। देखिए क्या आप एक ऐसे आम की बगिया इसको काट करो कट करो बहुत तो लंबा हो गया पीटने वाला तीसरा सवाल कर रहा है क्या एक ऐसे आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दो गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई तो ज्ञात कीजिए। तो एक आम का बगिया है और कैसा है आयताकार है, कैसा है लंबाई कोई कैसा कैसे जानेगा आयताकार इसके कर रहे हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई है और लंबाई करा है इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई मान लेते हैं एक्स तो लंबाई कितना जाएगा 2x दूना है इसलिए इसको माने x मीटर तो कितना हो गया तो माना कि बगिया का बगिया नहीं बगीचा खाने वाला बगिया नहीं बगिया का की चौड़ाई तो चौड़ाई कितना मान लेते हैं इसको x मीटर इसीलिए बगिया की लंबाई कितना होगा बगिया की लंबाई कितना होगा बताइए दुगुना कर रहा है करें ना कर रहा है देखिए हम नहीं कर रहे हैं
चौड़ाई लंबाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसीलिए लिखे क्या, यहाँ लिख दिया प्रश्न से ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है क्या कि बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई के कितना है, दोगुना है, तो अगर तुम इसको x माने हो तो कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझो, नहीं आता करे तो पूछो, पूछने के लिए कोई कभी कोई मना नहीं करता, कोई भी टीचर मना नहीं करते, पूछने के बाद खुशी होती है किसी भी टीचर को, हाँ बच्चा को यहाँ पे समझ में नहीं आता, बारीकी से पूछिए भाई, कहते कहते इसमें, ऐसे तो हम ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि पूछने का मौका ना मिले बच्चा को, एकदम बारीकी ढंग से एकदम स्लोएस्ट में समझाते हैं। उसका कह रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है ना, तो इसका मतलब पुनः प्रश्न से क्षेत्रफल कितना है इसका, बगिया का क्षेत्रफल, क्या बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर, तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना, ये लंबाई कितना है इसका, देखिए देखिए 2x है, चौड़ाई कितना है, गुने लंबाई गुने चौड़ाई, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये भी एक समंजस की बात, बड़ी असमंजस की बात हो जाएगी जब पूछिएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, पूछिए आयत का क्षेत्रफल कौन कौन जानता है, तो 2-3 बड़ा हाथ उठाएगा, हम जानते हैं सर जी, बताइए, अब मैट्रिक की तैयारी करने के लिए तैयार हैं, एकदम करेंगे तैयारी, करिए करिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा उसका लाज भी बचा के रखिए कि कल से आपका आपका वर्ग का क्षेत्र पूछे, कल का त्रिभुज का क्षेत्र पूछे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र पूछे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र पूछे, तो आपको फटाफट जवाब देने आना चाहिए, आपको आता ही नहीं है चल दिए, तो ये सब तरीका नहीं सीखिए बुआ, सॉल्व करिएगा इसको, तो क्या अगर 2x² बराबर क्या आ जाएगा, 800 x² बराबर क्या आ जाएगा, 800 बटे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 400, करिए सॉल्व कीजिए इसको, 800 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400, हाँ इधर स्क्वायर रूट लगेगा ना, निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 20 ना, प्लस माइनस, तो x का भुजा चौड़ाई ना माने, चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर क्या होगा, क्योंकि चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो क्या होगा, x बराबर 20 प्लस 20 हो गया, तो 20 मीटर लंबा निकल गया क्या, तो लंबाई कितना होगा, बोलिए, लंबाई दोगुना है इसका, देखने लिए ऊपर देखिए ना आप लोग अपने से करते, देखिए लंबाई चौड़ाई माने इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई निकला 20, तो लंबाई कितना होगा, 40 ना होगा, समझने की बात है भैया, 2x यानी 2 × 20 यानी कि 40 मीटर, तो ऐसा बनाना संभव है क्या, ये ऐसा बगिया बन सकता है, तो लिखेंगे हाँ लंबाई चौड़ाई निकला है तो संभव है, लिखेंगे आए लिखेंगे कि एक बात गड़बड़ कही है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने के बाद चेक करना चाहिए था पहले डी, क्योंकि से पूछ रहा है कि क्या ऐसा बनाना बगिया संभव है, अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई याद कीजिए, हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल लिए तब पहले संभव है, नहीं पहले कह रहा था इसमें लंबाई चौड़ाई निकालना नहीं है, पहले बताइए कि संभव है कि नहीं तब निकालिएगा, तो संभव है कि नहीं मतलब मूल देखना पड़ेगा, मूल कोई भी मूल का कोई भी द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा तभी ना संभव होगा वो, तो यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया, गलती क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ से बाद में बनाना चाहिए, ये जो बनाए हैं ये बाद में बनाना चाहिए था हमको, अभी नहीं बनाना चाहिए था, इसको लगा देते हैं, बनाए गलती नहीं है, हम लोग सही किए हैं, बनाए सही है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको डी चेक करना चाहिए था, इसका डी निकालने में देखिए कितना तक पहुँच जाएगा, 2x² - 800 बराबर क्या हो गया 0, इसका डी निकालिए पहले, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac जो होता है इसमें रख नहीं आ रहा है, देखिए इसमें बोलेंगे b कितना कौन बताएगा, हाँ सही है, पीटने का चक्कर में रहेंगे तो बोलता बताएगा, b पता है इसमें, b किसे कहते हैं जो x में गुना कहते हैं,
एक्स में गुना कुछ है हाथ में गिरा लो हाथ में पिटा जाओ बढ़िया से जिसको जिसको याद है वो जिसको पता है वो बता दो सीधे हाथ उठाया था सुनता नहीं हूँ तो कति पूछे इसमें बी कितना होगा अभी किसे कहते हैं जो एक्स में गुना होता है अब हाथ उठाओ एक दो हाँ अब आया रियल वाला हाथ सब सब फेंक फिर उठा जय श्री राम कह रहे हैं उठा लेते हैं आधा उधा कुछ है नहीं इसे खेल हाथ उठा लेंगे एक्स में एक्स ये नहीं है हाथ उठा रहा है कि बी बताएंगे हम जो नाम है वही में तो ज्ञात नहीं हो रहा था जो नाम नहीं है वो ज्ञात करेगा लेकर साइंटिस्ट है ये सब जब जिसमें नहीं होता है उसमें क्या क्या आता है जीरो एक्स जीरो एक्स होता है वो क्या होता है जीरो में नहीं होता है उसमें जीरो भी होता है उसका मान होता है कि नहीं होता है इसमें देखो ए ए तो पता है इसमें गुना है वो क्या है ए है ये क्या है ए है एक्स में गुना है क्या है बी है बी है ये जो आचर पा रहे हो क्या है सी है इसमें बी पता ही नहीं था देखिए सब अचानक हाथ लगा बी तो आ ही जाएगा हमको जब कहें कि बुरा में एक सही है नहीं है तब कहा कि ओ है नहीं हम देखे नहीं किए तब गिराया है अखुश जो बचा बचा था वो रियल वाला था उसको पता था कि रियली में ऐसे होता है अभी भी हम बता दिए थे पहले ये जो नाम नहीं होगा वो जीरो होता है पहले बता दिए ऐसा नहीं कि नहीं पहले बार बता रहे मन ध्यान नहीं रहता है सबको तो बी कितना हो गया जीरो जीरो का स्क्वायर माइनस फोर एक जगह पे टू अस्सी की जगह पे माइनस आठ सौ क्या जीरो चार दूना आठ आठ ही आठ ही चौंसठ चौंसठ सौ डी कितना आ गया चौंसठ सौ तो मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा मूल अस्तित्व में होगा तो लिखेंगे अतः या बग्या बनाना संभव है क्या लिखेंगे क्योंकि डी बराबर है नहीं डी बड़ा है किसे जीरो से इसीलिए इसका मूल इसका मूल क्या होगा वास्तविक है क्या है आता या बगिया बनाने संभव है क्या लिखेंगे आता या क्या की बात कहा लौड़ा जी आता या बगिया बनाना आज समय में अब संभव है तब ही निकालिए तब निकाले तो ठीक है ना हम क्या कहते पहले निकाल दिए थे तो कह रहे संभव है